व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। आज वाली वीडियो में हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट की इस वाली वीडियो में हम आज बनाएंगे आयरन फार्मर। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमको काफ़ी सारे सामान की ज़रूरत होने वाली है, तो फटाफट से उन आइटम्स को कलेक्ट कर लेते हैं। एक लावा बकेट हो गई, दो वाटर बकेट हो गई, और काफ़ी सारे स्टोन्स हो गए, और अपने को जो अपनी वर्क बेंच हो गए, और 20 विलेजर्स हो गए। तो उनको 20 को यहाँ से ले जाने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो उनको सिंपली हम दो को लेकर वहाँ पर हमको ब्रीडिंग कराएंगे, तो वहाँ से हमको काफ़ी सारे विलेजर्स मिल जाएंगे। तो फटाफट से हमको बेड क्राफ्ट करने के लिए 20 बेड भी चाहिए होंगे, तो उसके लिए वुल की भी ज़रूरत होगी। तो यहाँ से मैं पहले वुल कलेक्ट कर लेता हूँ, और जो भी आइटम्स है उनको कलेक्ट कर लेता हूँ। तो फिर मैं सारे आइटम्स को कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर हमने लगभग सारे आइटम्स को कलेक्ट कर लिया है, और ये जो अपने मीट है इसको पकाने के लिए डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये सारे सामान को मैं दूसरी चेस्ट में शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि मेरे जो भी सामान है उसको ट्रांसफ़र कर सकूँ जहाँ पर हमारी लोकेशन है आयरन फार्म बनाने के लिए वहाँ पर। तो फटाफट से ये सारे सामान को यहाँ से इस चेस्ट में डाल देता हूँ, और फटाफट से जो भी सामान है हमारे पास उसको लेके चलते हैं अपनी लोकेशन पर जहाँ पर हम अपना आयरन फार्म बनाने वाले हैं। तो फटाफट से इन जो बचे कुछ हैं इनको भी शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल सके, क्योंकि हमारे पास 20 बेड्स होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक दो चेस्ट बना लेता हूँ, जो भी बचा हुआ है सामान उसको फटाफट से उसमें शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो चेस्ट बन चुके हैं, तो उसको इस साइड प्लेस कर लेते हैं। तो अगली वाली वीडियो आप देखना चाहते हो कि क्या किसकी होनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट कर बताना। ये अपना हाउस बनाए या फिर विलेज का ट्रेडिंग हॉल, तो फटाफट देखना आप। तो फटाफट से इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, जो भी हमारा सामान है इस चेस्ट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सारा सामान लगने वाला है। यहाँ पर होपर हो गया, चेस्ट हो गई, कुछ डर्ट ब्लॉक हो गए, और सेपलिंग्स हो गई, सेपलिंग्स बोलते हैं क्या बोलते हैं, ये सारे हो गए, और क्राफ्टिंग टेबल ये जो इसको बोलते हैं ये हो गए, दो वाटर बकेट, और इन सब सामान को मैं फटाफट से शिफ्ट कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारा सामान शिफ्ट कर लिया है, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर कि सारे बेड हो गए, सारे स्टोन सब हो गए। तो फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमको 9 ब्लॉक ऊपर के और डिग करना होगा। तो फटाफट से मैं इसको डर्ट ब्लॉक को भी ले लेता हूँ और स्टोन को भी ले लेता हूँ सारे को। तो फटाफट से चलते हैं अपने यहाँ पर बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो इस बेड को तोड़ लेते हैं और चलते हैं 9 ब्लॉक ऊपर। यहाँ से हमको 9 ब्लॉक ऊपर जाना है, और तीन ब्लॉक को साइड में आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से सारे ब्लॉक लगा देता हूँ। ये मोबाइल में खेलने में यही दिक्कत है, अच्छे से प्लेस नहीं होता था, माउस से होता तो काफ़ी अच्छा हो जाता। यहाँ से अब 9 ब्लॉक डिक करने के बाद आपको तीन ब्लॉक आपको सामने की ओर बढ़ाना है, चारों तरफ आपको ऐसा ही करना है। तो यहाँ से मैं 3 ब्लॉक आगे लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ पर 1, 2, 3, फिर सामने की ओर 1, 2, 3 ब्लॉक हमको लगा देना है। एक यहाँ से फटाफट से लगा देते हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर 3 ब्लॉक हो चुके हैं, और इस साइड भी 3 ब्लॉक का हमको प्लेटफॉर्म बना लेना है। तो इन सबको प्लेटफॉर्म में मिक्स कर देना है। तो इस साइड में भी हमको 3 ब्लॉक लगा देना है, 2, 3, तो यहाँ पर 3 हो गए हैं, और इन सारे प्लेटफॉर्म को पूरे को हमको जोड़ देना है।
तो यहाँ से फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक, ये दो, ये तीनों हो गए। तो इन सब प्लेटफॉर्म को आपस में कनेक्ट कनेक्ट कर लेना है। तो फटाफट से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब प्लेटफॉर्म को ये करने के बाद आपको चारों कॉर्नर पर ऐसे एक एक ब्लॉक रख देना है चारों कॉर्नर पर। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इन चारों कॉर्नर पर ब्लॉक रख देता हूँ। तो यहाँ पर भी रख दिया, यहाँ पर भी रख दिया, और बीच जो बीचों बीच है, मैंने 9 ब्लॉक का डिप करा था ना, तो उस पर भी आपको एक ब्लॉक रख देना है बीच में। तो फटाफट से मैं नीचे चलता हूँ और बेड लेकर आता हूँ ऊपर। तो यहाँ पर मैं नीचे से बेड लेकर आ चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको बेड लगा देना है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक के साइड में खड़ा होकर आपको जो ब्लॉक के आगे आपको जगह देख रही है, तो वहाँ पर आपको ऐसे बेड लगा देना है। वापस से आपको वो आगे जाना है और सामने वापस उस ब्लॉक के सामने खड़ा होकर जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बेड लगा देना है। तो यहाँ पर ऐसे बेड लगा देना है, वापस इस बेड इस कॉर्नर पर खड़े होकर उस साइड आपको बेड लगा देना है। तो चारों तरफ आपको ऐसे ही बेड लगाना है। तो फटाफट से मैं बेड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चारों साइड बेड लगा दिए और पांच पांच बेड आपको मैं बता रहा हूँ ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये बेड आप ऐसे किसी भी साइड से लगा सकते हो। तो फटाफट से मैं ये यहाँ पर पांचों बेड लगा देता हूँ फटाफट से। तो इसमें ये एक दिक्कत है कि इसमें डायरेक्ट बेड को ले नहीं सकते, जैसे कि पीसी वाले गेम में आप इसे दबाओगे उस जगह जो भी ब्लॉक होगा वो वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पर बेड मैं लगा देता हूँ फटाफट से, एक एक बेड पिक करके ही लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसे लगा देना है और ऐसे बेड आप किसी भी साइड से स्टार्ट लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर बीच में आपको ऐसे भी लगा देना है और फिर से आपको पांच बेड इस साइड भी लगा देना है जैसे मैं लगा रहा हूँ फटाफट से मैं लगा देता हूँ। ऐसे जैसे मैंने लगाए सब तरफ आपको ऐसे बेड लगा देना है और बीच में एक ब्लॉक भी लगा देना है। तो फटाफट से मैं स्टोन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से ले लेता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी स्टोन ले लिया। तो यहाँ पर बीच में आपको एक स्टोन लगाना है और उस साइड जो भी आपको ब्लॉक देख रहे हैं इसमें आपको एक ऐसे और एक ऐसे लगा देना है। तो इसको और पूरे को लगाकर पूरे को फिल कर लेना है। हमको विलेजर को सोने नहीं देना है ताकि वो उसको अगर वो सो गए तो वापस वो विलेजर डरेंगे नहीं और हमको आयरन गोलम नहीं मिलेंगे। तो फटाफट से मैं नीचे चलता हूँ और एक टॉर्च लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको टॉर्च लाकर एक सेंटर वाले ब्लॉक में आपको लगा देनी है और पूरे प्लेटफॉर्म को आपको फिल कर देना है। तो यहाँ से मैं पूरे प्लेटफॉर्म को फिल कर लेता हूँ और फिर क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको जॉब देने के लिए आपको फ्लैचिंग टेबल लगानी है। तो यहाँ पर मैं आप इसके जगह कोई भी जॉब दे सकते हो। तो यहाँ पर मेरे को ये सस्ते में पड़ रही थी तो काफ़ी, तो मैंने फ्लैचिंग टेबल बना लिया। तो आपको पूरी आपको 16 आपको फ्लैचिंग टेबल है। एक साइड 3 लगानी है और एक साइड 5 लगानी है। जिस साइड में 3 लगाओगे उसके ऑपोजिट साइड में आपको 3 लगानी है, और जिस साइड आप 5 लगाओगे उसके ऑपोजिट साइड में 5 लगानी है आपको। तो फटाफट से यहाँ ये सब कर लेते हैं। और ये सब करने के बाद आपको फ्लैचिंग टेबल के ऊपर आपको एक ब्लॉक और प्लेस कर कर इसको 2 ब्लॉक की हाइट कर देनी है। तो फटाफट से ये सब कर देता हूँ मैं। तो इतना सब हो जाने के बाद हमको विलेजर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऊपर चढ़ने के लिए विलेजर के यहाँ पर बना दिए हैं। तो फटाफट से विलेजर को लेके आ जाते हैं फटाफट से ही। यहाँ पर हमने जैसे तैसे कर कर एक विलेजर को बोट में बिठा दिया है। तो इसको फटाफट से लेके चलते हैं अपने लोकेशन पर।
हाँ 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 तो यहाँ पर मैं जैसे तैसे कर दूसरे विलेजर को भी लेके आ चुका हूँ। मैंने पहले पिछले वाले विलेजर को तो जैसे तैसे डाल दिया था, तो उस वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैं यहाँ पर सेकंड वाले को भी जैसे तैसे लेकर आ चुका हूँ। जिस स्लाइड बनाई है पिछली वाली साइड पर, उसको चढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर इसने जो भी एक्सेप्ट कर लिए है, यहाँ पर इसको फटाफट से ऊपर की ओर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर पानी की लाइट बनाई है, तो हम इसको फटाफट से ऊपर लेके चलते हैं और अंदर डाल देते हैं। और इनको फटाफट से ब्रीडिंग करा कर इनको 20 विलेजर कर देते हैं। तो यहाँ से मैं मिलता हूँ आपको, फटाफट से 20 विलेजर कर लेता हूँ और ट्रेडिंग बीच में आपको बता दूंगा कि ट्रेडिंग, इनको ट्रेडिंग मतलब वो इसको बोलते हैं ना, फीडिंग कराते हैं और ये प्यार कर कर बच्चे पैदा करेंगे। तो इसको फटाफट से कर देते हैं, तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे 20 विलेजर करने के बाद। तो इन दोनों को ब्रीडिंग करा कर यहाँ पर जैसे तैसे 3-4 विलेजर तो आ गए बच्चे। इनको फटाफट से बड़ा कर कर इनको फटाफट से 20 विलेजर कर कर फिर मिलता हूँ मैं आपसे। ऐसे दिखाने लग गया तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो फटाफट से मैं मिलता हूँ आपको इनको 20 विलेजर करने के बाद। तो यहाँ पर हमारा ब्रीडिंग करा कर इनको 20 विलेजर कर दिया है। तो इसको फटाफट से ऊपर से आपको फिल कर देना है फटाफट से। तो मैं फटाफट से इसको ऊपर से पूरा फिल कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तो लगभग मैंने यहाँ पर सब कुछ फिल कर लिया है। तो फटाफट से ये ऊपर लगे हुए ब्लॉक इनको भी यहाँ पर से हटा देता हूँ और फटाफट से अपने जो भी है इसकी आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर आप ये आयरन गोलम हमारा आ चुका है। अगर ऐसे आपको स्पॉन हो जाए तो इसको फटाफट से नीचे गिरा देना है। और अब आगे क्या करना है फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं देख ही रहे होंगे, यहाँ पर आपको एक ब्लॉक रखना है यहाँ पर, और साइड बाहर की साइड में आपको एक लगा देना है। और ऐसे आपको चारों तरफ इस ब्लॉक को प्लेस कर देना है। तो मैं फटाफट से चारों तरफ प्लेस कर देता हूँ ऐसे, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो ऐसा करने के बाद आपको एक एक ब्लॉक और आपको ऊपर एक्सपेंड करनी है वॉल को। तो फटाफट से मैं एक एक ब्लॉक और लगा देता हूँ यहाँ पर। तो आपको किसी भी डायरेक्शन में यहाँ पर आपको 2 ब्लॉक रख देना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आप किसी भी डायरेक्शन में आपको 2 ब्लॉक रख देना। तो 2 ब्लॉक रखने के बाद आपको बीच सेंटर में उसके सामने की ओर आपको चेस्ट लगाने पड़ेगी। तो फटाफट से मैं चेस्ट लगा देता हूँ। तो यहाँ पर सामने की वॉल के सारे आपको ब्लॉक तोड़ देने हैं। तो यहाँ से मैंने तोड़ दिए हैं, तो यहाँ से आप फटाफट से मैं नाइट स्किप कर देता हूँ। फटाफट से फिर मिलता हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर मैं जैसे चेस्ट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने नाइट स्किप कर दिया। तो जैसे मैं चेस्ट लगा रहा हूँ सिंपली आपको वैसे आपको चेस्ट लगा देनी है। तो फटाफट से मैं लगा देता हूँ यहाँ पर एक
दो चेस्ट लगा देनी है, और यहाँ पर जो चेस्ट के सामने इस साइड वाला ब्लॉक है इसको तोड़कर आपको एक होपर लगा देना है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं होपर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आयरन गोलम भी स्पॉन होने लगा है। यहाँ से फटाफट से इसको यहाँ पर मैं चेस्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर होपर भी लग गया है, तो इसको सामने वाली वॉल को आपको सिंपली पूरा फिल कर लेना है। तो यहाँ पर फिल कर लिया मैंने। तो यहाँ फटाफट से आपको एक ब्लॉक वापस ऊपर जाना है आपको। यहाँ पर मैं फटाफट से ऊपर चले जाता हूँ। यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको सिंपली ये जो अपनी चेस्ट वाली साइड है उस पर आपको ब्लॉक लगा देना है। जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आपको ब्लॉक लगा देना है। तो फटाफट से मैं ये सब काम कर लेता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। यहाँ पर मैं जैसे साइन बोर्ड लगा रहा हूँ वैसे आपको भी साइन बोर्ड लगा देना है, और बीच वाले ब्लॉक में आपको लावा बकेट डालनी होगी, जिससे हमारा आयरन गोलम को डैमेज होगा और वो उसको हमारा आयरन हमारे होपर से होकर हमारे चेस्ट में कलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं साइन बोर्ड लगा रहा हूँ वैसे आपको भी लगा देना है, ताकि हमारा लावा बाहर ना निकले और पानी को स्टोन में कन्वर्ट ना कर दे, वरना हमारा आयरन फार्म काम नहीं करेगा। तो फटाफट से क्राउच होकर यहाँ पर भी साइन बोर्ड लगा देते हैं। जो बीच में आपको खाली ब्लॉक दिख रहा होगा यहाँ पर आपको लावा डाल देना है। तो यहाँ पर लावा डालने के बाद आपको सिंपली जो भी हमारा पहले इसको मैं डर्ट ब्लॉक को तोड़ देता हूँ। यहाँ पर तोड़ने के बाद आपको सिंपली ऊपर चले जाना है, और यहाँ पर दोनों ब्लॉक जो हमने लगा रखे हैं इस पर हमको वाटर बकेट डाल देनी है दोनों ब्लॉक पर। तो फटाफट से मैं दोनों ब्लॉक पर वाटर बकेट डाल देता हूँ, और वाटर बकेट डालने के बाद आपको जो भी स्टोन की वॉल दिख रही है उस पर हमको लीव्स लगानी होगी, ताकि यहाँ पर जो भी आयरन गोलम स्पॉन हो वो वॉल पर स्पॉन ना होकर डायरेक्ट पानी में स्पॉन हो, ताकि हमारा आयरन फार्म अच्छे से वर्क करे। तो अगर हमारा आयरन फार्म वर्क ये करना होगा तो यहाँ पर अगर लीव नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर स्पॉन होगा और वो पानी में नहीं होगा। तो फटाफट से यहाँ पर लीव्स लगाना शुरू करते हैं, और फटाफट से मैं लीव्स लगा देता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपसे। मुझे याद आया कि यहाँ पर हमको स्टोन ब्लॉक तोड़कर यहाँ पर स्लेब्स लगा देना है, ताकि हम चेस्ट को आसानी से एक्सेस कर सकें, या ताकि हम यहाँ पर देख सकते हो पहले ब्लॉक था स्टोन ब्लॉक, तो यहाँ पर हमारा 9 आयरन भी कलेक्ट हो चुका है। तो फटाफट से वापस ऊपर चलते हैं और अपने लीव्स का काम कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। यहाँ पर बाकी लीव्स लगाने में रह गई थी, यहाँ पर फटाफट से लगा देते हैं। जो भी हमारे और एक्स्ट्रा ब्लॉक्स दिख रहे होंगे यहाँ पर, हम मैंने डर्ट ब्लॉक लगाए हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पर लीव्स लगा देता हूँ वॉल को एक जैसे कर सामने से देख लेता हूँ फटाफट से कि वॉल टेढ़ी एढ़ी तो नहीं है। तो फटाफट से मैं इसको सही कर यहाँ पर सारा लीव्स लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमको दो स्टोन ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, ताकि हमारा अगर लीव्स लावा के ज़्यादा पास होगी तो वो सारी जल जाएगी। तो आप मैंने जैसे लगाई है वैसे आपको भी लगा देनी है। तो यहाँ पर दो स्टोन ब्लॉक लगा दिए, और फटाफट से यहाँ पर वापस से लीव्स वापस से लगा देते हैं। यहाँ पर जितने भी आपको ब्लॉक्स दिख रहे हैं वो सारे हटाकर यहाँ पर आपको चेस्ट को खोलने के लिए यहाँ पर आपको लीव्स लगा देनी है, और लीव्स लगाने के बाद आपको जो भी वापस से आपको फटाफट से जंगल बायम से जाकर आपको जो भी लीव्स वो के ऊपर जो बेल होती है वो लेकर आकर इस पर लगा देनी है। तो फटाफट से लेकर आता हूँ मैं, और फटाफट से यहाँ पर एक बकेट भी भर लेते हैं पानी की, और फटाफट से लीव्स को लेकर आते हैं। तो यहाँ पर मैं ये लेकर आ चुका हूँ, तो इसको फटाफट से यहाँ पर प्लेस कर देनी है, ताकि हम ऊपर से आसानी से आ जा सके। तो यहाँ पर लीव से ही लगानी है, कोई ब्लॉक नहीं लगाना है। अगर ब्लॉक लगाओगे तो इस ब्लॉक पर आपका आयरन गोलम स्पॉन होगा और आपका आयरन फार्म अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे आपको भी लगा देनी है, ताकि आपको ऊपर नीचे आने में भी आसानी हो और आयरन गोलम भी आपका यहाँ पर स्पॉन ना हो। तो यहाँ पर आपको इस लीव से प्लेटफॉर्म बना लेना है, ताकि आप नीचे ना गिरो बार बार। तो यहाँ फटाफट से मैं ये लीव से वापस लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप कोई सी भी लीव्स आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर
फटाफट से लीव्स का यहाँ प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ फटाफट से। यहाँ पर बट प्लेटफॉर्म बना लिया तो यहाँ पर हमारा 24 आयरन भी करेक्ट हो गए हैं। तो गाइस कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ आप अगर क्रिएटिव मोड में भी आपको ये फार्म बनाना सीखना है तो मैं वीडियो बनाकर बता दूँगा, प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। तो यहाँ पर हमारा आयरन फार्म काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।